नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल में कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सरकार ने कसी नकेल। वर्किंग आवर में धरना प्रदर्शन देने पर होगी कार्यवाही, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। सीएम जयराम बोले, फंसे हुए हिमाचलियों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार प्रयासरत। सदन में गूंजा फर्जी डिग्री मामला, शिक्षा मंत्री बोले, कांग्रेस ने समय पर नहीं की कार्यवाही। हिमाचल विधानसभा में आज फिर हुआ हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन के भीतर की नारेबाजी, सभापति को कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। हिमाचल के IGMC में ड्रग इंस्पेक्टर ने दी दबिश, ब्लड थिनिंग इंजेक्शन के भरे सैंपल। हिमाचल के पहाड़ लगे दरकने, पत्थर गिरने से महिला की मौत, चट्टान गिरने से टूटा पुल। डॉक्टर राजेश ने यूक्रेन में फंसे हिमाचली छात्रों को स्वदेश लाने को सरकार से किया आग्रह। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ने लगी है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर नकेल कस दी है। इसके संदर्भ में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी धरने में शामिल होंगे उनका वेतन काटा जाएगा। धरने के दौरान गैर कानूनी गतिविधि, पथराव, तोड़फोड़ आदि करने पर निलंबन भी किया जा सकता है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा है। राज्य में अब ये मामला तोल पकड़ता जा रहा है। CM पहले ही कर्मचारियों को 2 टूक धरना प्रदर्शन न करने की नसीहत दे चुके हैं। इसके बाद सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने CM जयराम ठाकुर को तानाशाह तक कह डाला है। वहीं CM ने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया है। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों की सुरक्षित वापसी के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है। सरकार केंद्रीय विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है, दूतावास से भी इसको लेकर चर्चा जारी है। CM ने कहा कि कुछ अभिभावकों से उन्होंने भी बात की है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ये मामला उठाकर सरकारी खर्च पर विद्यार्थियों की वापसी मांगी और कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों की सुरक्षा का मामला गंभीर है। CM ने बताया कि पोलैंड के रास्ते भी भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के प्रयास चल रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के लोग हमारी जिम्मेदारी है। ये जब तक यूक्रेन में है तब तक वहाँ सुरक्षित रहें और वापस सुरक्षित देश में लाया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार भरसक प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामला आज गूंज उठा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले को उठाया। राजेंद्र राणा ने बताया कि करीब 5 लाख फर्जी डिग्रियां खरीदी व बेची गई। इस घोरक धंधे में करीब 20,000 करोड़ का काला कारोबार होने की संभावना है। हिमाचल के बाद करनाल में भी ऐसा ही घोरक धंधा किया गया। फर्जी डिग्री मामले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि राजकुमार राणा के ऊपर 2012-2013 से कांग्रेस सरकार के समय से कार्यवाही हुई होती तो बात कुछ और होती। जानकारी होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने किसी भी तरह की जांच इस मामले में नहीं की थी। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 3rd दिन भी सदन में फिर से हंगामा बरपा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों ओर से सदन में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि अभिभाषण में सरकार के 4 साल के कार्यकाल के कार्यों को उल्लेखित किया गया है।
विपक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है। वहीं विधायक विक्रमादित्य सिंह भी आज कुछ कहते सुनाई दिए। इसके बाद वन मंत्री ने कांग्रेस पर एक के बाद एक हमले बोले। वन मंत्री की विक्रमादित्य व कांग्रेस पर की गई टिप्पणी से विपक्ष भड़क उठा तथा विपक्ष के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। इस टीम ने आईजीएमसी के स्टोर में दबिश दी और दवाइयों के साथ साथ इंजेक्शन इमोक्सिपेरिन के सैंपल लिए। टीम के इस तरह से छापा मारे जाने की सूचना लगते ही आईजीएमसी में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इंजेक्शन के सैंपल भरे गए हैं व जांच के लिए कंडा घाट भी भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बता दें कि पिछले दिनों आईजीएमसी में खून पतला करने वाला एक इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज को रिएक्शन हो गया था। उसी इंजेक्शन के सैंपल आज ड्रग इंस्पेक्टर शिमला की टीम ने आईजीएमसी में जांच के लिए भरा है। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के बाद अब पहाड़ दरकना शुरू हो गए हैं, जिसने लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। राजधानी शिमला के नेरवा में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक महिला की मौत हो गई। ये पत्थर महिला के सिर पर लगा था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हुई। हादसा शुक्रवार को दोपहर करीब 11 बजे के आसपास हुआ है। नेरवा के डुंडी माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ। मृतक महिला की पहचान 40 वर्षीय रमला देवी पत्नी कर्ण सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला नेरवा के शिक्यार में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने जयराम सरकार से युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हिमाचल के छात्रों को तुरंत वहां से सुरक्षित स्वदेश लाने के कारगर और सार्थक प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके सीएम जयराम ठाकुर को व्यक्तिगत तौर पर विदेश मंत्रालय से इस बारे में बातचीत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मदद की गुहार लगानी चाहिए। डॉक्टर राजेश ने कहा कि प्रदेश के 100 से अधिक छात्र उच्च व मेडिकल शिक्षा के लिए वहां गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ के अभिभावकों ने उन्हें बताया कि छात्र फोन पर उन्हें घर आने की गुहार लगा रहे हैं। ये छात्र अपने को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सभी अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।